हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं सारिका, सारिका ब्लॉग्स में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करती हूं। तो चलिए, आज मैं दिखा रही हूं कि क्या मैंने बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है अपने घर में इवनिंग का नाश्ता में अप्पे, उसी का रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, कैसा लगा मेरा वीडियो कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। और एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ एवरीवन। तो आइए मैं बता रही हूँ अप्पे मैं कैसे बना रही हूँ। ये मैंने लिया है एक बाउल, उसमें डाल रही हूँ ये एक कप सूजी, और उसी कप से मैंने हाफ कप दही डाला है, और उसी कप से मैं पानी डाल रही हूँ। पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ फ्रेंड्स, जितना पानी मुझे लगेगा कि इसमें चाहिए उतना डालूंगी। सूजी में पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। अब इसको इस तरह से मैं मिक्स कर दे रही हूँ। ये देखिए सूजी फूलता है, पानी जो है सूजी ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करता है। तो अभी मैं इस तरह से छोड़ दे रही हूँ, और इसमें इसी से मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। इसको मिक्स कर दे रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए, ऐसे ही ढक के छोड़ दे रही हूँ ताकि सूजी जो है अच्छे से इसमें फूल जाए। और उसके बाद दिखाती हूँ मैं इसमें क्या क्या सब्जी डाल रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी होता है फ्रेंड्स, बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं, घर में नाश्ते में बना सकते हैं। इसमें क्या क्या वेजिटेबल्स दे रही हूँ मैं आगे वीडियो में दिखाती हूँ, तो बने रहिएगा, वीडियो को कहीं स्किप नहीं कीजिएगा। मैं अप्पे में कौन कौन सा सब्जी मैं डाल रही हूँ, ये है प्याज, प्याज को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये है धनिया पत्ता, हरा मिर्च, ये है गाजर, गाजर को भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये है मेरा टमाटर, एक टमाटर को भी हमने बारीक काट लिया है। और ये है करी पत्ता, जिसको कि हम इसको तड़का में इस्तेमाल करेंगे करी पत्ता को। और आपको और जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है फ्रेंड्स, जैसे शिमला मिर्च हो गया, कैबेज हो गया, वो सब डाल सकते हैं। मैं इतना सब्जी डाल रही हूँ, और 15 से 20 मिनट तक मैंने इसे छोड़ दिया था सूजी को। सूजी मेरा फूल गया है अच्छे से, दिखाती हूँ मैं इस तरह से इसको। देखिए जब ये फूलता है तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि खमीर जैसा होता है फ्रेंड्स। हमने दही डाला था और नमक डाला था इसमें, और मैं ये जो काट जितना भी सब्जी हमने काट कर रखा है उसको इसी में डाल दे रही हूँ। ये टमाटर है, धनिया पत्ता, हरा मिर्च, गाजर, और ये प्याज, सबको इसमें मैंने डाल दिया है। सबको अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ फ्रेंड्स। अभी मैं थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ, क्योंकि उस समय हमने नमक कम डाला था, सब्जी वगैरह डाली हूँ तो उस अनुसार स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, ध्यान रहे कि नमक हमने पहले भी डाला है इसलिए थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। इसके जगह आप इनो भी डाल सकते हैं। फिर से सबको मैं मिक्स कर ले रही हूँ। अब अप्पे में मैं तड़का मारने जा रही हूँ, तो दिखा रही हूँ। तड़का पैन मैंने चढ़ा दिया, पैन मेरा गर्म हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल, तेल मेरा गर्म हो गया है। और इसी समय मैं ये डाल रही हूँ राई, काला वाला जो राई होता है उसे डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स। राई जब अच्छे से चटक जाए तो ये जो हमने करी पत्ता लिया है इसको भी इसी समय डाल दे रही हूँ। मेरा तड़का तैयार हो गया है, गैस को मैंने कर दिया है बंद, और इसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ जो हमने तैयार किया है अच्छे के लिए, और इस तरह से इसको मिक्स कर दे रही हूँ। मैं दिखाती हूँ मैं अप्पे कैसे बना रही हूँ। इधर मैंने अप्पे पैन चढ़ा दिया है और ये मेरा गर्म हो गया है। इसमें मैं सब में थोड़ा थोड़ा तेल डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा तेल लगता है फ्रेंड्स, ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं बता रही हूँ। बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स वगैरह भी सारा दे देते हैं। बच्चों को अगर दीजिएगा तो फ़ायदा भी करेगा, क्योंकि बहुत सारी सब्जियाँ डाल के आप उसको खिला सकती हैं। तो ये देखिए सब में हमने थोड़ा थोड़ा तेल डाल दिया, सबको इस तरह से चार उस तरह से लगा देना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो बैटर तैयार किया है अप्पे का, ये इस तरह से
एक चम्मच से इस तरह से डालना है सब में। गैस का फ्लेम हमने अभी लो कर दिया है क्योंकि मेरा अपने पैन काफ़ी गर्म हो गया था। इस तरह से सब में मैं डाल लेती हूँ। देखिए इसमें सारे में मैंने अपने डाल दिया है। अब थोड़ी देर के लिए इसको मैं ढक दे रही हूँ, गैस का फ्लेम लो कर दी हूँ फ्रेंड्स। अब मैं दिखाती हूँ मेरा आपको, इसको पलट दे रही हूँ। इस तरह से एक चम्मच के सहायता से इसको पलट देना है। ये देखिए इस तरह से सारे को मैं पलट दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सबको इस तरह से पलट दिया है। एक दो थोड़ा सा मेरा टूटने लगा था और अब मैं इसके ऊपर में सबके ऊपर इस तरह से हल्का सा तेल लगा रही हूँ। इस तरह से और इसको फिर से उस साइड भी हो जाने देती हूँ, फिर दिखाती हूँ मेरा अप्पे बनकर तैयार होगा। तो कि मेरा अप्पे बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए इसको मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इस तरह से मैं सारे अप्पे बना कर तैयार कर लेती हूँ। ये हमने सारे अप्पे को इसमें से निकाल लिया है और दूसरा टिप भी इसमें डाल दिया। दो मेरा हुआ नहीं था इसलिए अभी मैं इसमें छोड़ी हुई हूँ, बाकी वाले में मैंने फिर से डाल दिया है। और इसको भी थोड़ी देर के लिए ढक दे रही हूँ और इसी तरह से मैं सारे अप्पे को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा सारा अप्पे बनकर तैयार हो गया है। कैसा लगा मेरा वीडियो फ्रेंड्स कॉमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके बाय बाय।